ये कंडीशन है हमारे नेशनल हाईवे 44 की। इस गाड़ी में मतलब एक अमृतसर से जम्मू ऐसा लग रहा है भाई, जैसलमेर में आ गए हूँ रेगिस्तान। तो मेरी नज़र में कोई फ़ायदा नहीं इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाने का अगर आपसे एक नेशनल हाईवे नहीं चल पा रहा है तो। और जब टोल लेने की बारी आती है तब पूरा टोल छूला जाता है। देखो हमारे जम्मू कश्मीर का रेगिस्तान देखो, हमारे लखनपुर टाउन में आपको बड़ी दोस्तों सांबा डिस्ट्रिक्ट पड़ती है, वहाँ पे भी आपको बल्ले खाने को मिल जाएंगे, गरम मिलते हैं। हाँ तो ये भाई साहब बना रहे हैं, ये है दोस्तों वैकल्पिक मार्ग, फिलहाल देखिए बंद है। दोस्तों ये वही रास्ता है जहाँ से लाखों श्रद्धालु आते हैं वैष्णो देवी दर्शन करने, बहुत शर्म की बात है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल मोहित ग्रॉफ व्लॉग्स। कैसे हो आप सभी, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों इस टाइम पे मैं हूँ जर्नल बस स्टैंड कठुआ में, कठुआ मेरी डिस्ट्रिक्ट है भाई, मेरा घर कठुआ डिस्ट्रिक्ट में है, जम्मू कश्मीर की पहली डिस्ट्रिक्ट आती है कठुआ डिस्ट्रिक्ट। तो आज से हमारा सफर होने वाला है कठुआ बस स्टैंड से सांबा तक। यहाँ पे भाई यहाँ ऐसी छोटी मोटी काफ़ी सारी फूड की शॉप्स हैं, आप यहाँ पे आके खाना पीना कर सकते हो आराम से। बस गंदगी बहुत है यार, गंदगी देख सकते हो हम ऐसी जगह पे बैठ के क्या खाना खाना। बाकी ये है कुछ कंडीशन जर्नल बस स्टैंड कठुआ की, काफ़ी बुरा लगता है ये इतनी गंदगी देख के। यहाँ पे मेरे काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बोल रहे थे कमेंट करके कि भाई आगे पुल डैमेज का रास्ता, मतलब गाड़ी काफ़ी ज़्यादा डिले होती है, तो भाई उस रास्ते से होके जाऊँगा आज मैं सांबा तक और बताऊँगा कि क्या कंडीशन है नेशनल हाईवे 44 की। अभी एग्ज़ाम है मेरा गाइस 3 बजे एंड अभी बज रहे हैं दोपहर के 12 पे। पैसेंजर्स के लिए वेट करने के लिए मतलब कोई सही जगह नहीं मिली है, तो है जगह बनाई हुई लेकिन भाई गंदगी बहुत है यहाँ पे, देख सकते हो आप कितनी गंदगी है और सफाई नहीं है भाई इतनी। जो गाड़ियाँ यहाँ कठुआ से जम्मू जाती हैं वो डिस्टेंस कवर करती हैं लगभग 85 किलोमीटर का, एंड टोटल डिस्टेंस कवर करने में ले लेती हैं लगभग 2 घंटे 2 से 2.5। लेकिन अभी जब से भाई यहाँ पे हाईवे का काम लगा हुआ है तो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्जेंस आ जाती हैं बीच में, उसके कारण गाड़ी थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लेती है, और साथ में जो तनाव वाला ब्रिज टूटा हुआ है उसके कारण भी गाड़ियाँ थोड़ी डिले होती हैं। बाकी मैंने यहाँ से एक पानी की बोतल भी ले ली है, जर्नी के टाइम भाई प्यास काफ़ी लगती है मुझे। तो इधर से गाड़ियाँ आ रही हैं भाई, ये जम्मू से आ रही हैं एंड जो उधर को जा रही हैं वो जम्मू को जा रही हैं। पहले गाड़ियाँ निकलती भी यहाँ से थी बाया शहीदी चौक के सीधा कालीबड़ी से जम्मू जाती थी, लेकिन काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स हुए थे इस रूट पे, इस कारण से वन वे कर दी है। मतलब आने वाली इस तरफ से आएगी वाया शहीदी चौक एंड जाने वाली वाया हटली मोड़ से जाएंगी। अभी दोस्तों मैं साफ़ सफाई की बात कर ही रहा था भाई, एंड सामने देखो म्यूनसिपैलिटी वालों की गाड़ियाँ आ गई हैं साफ़ सफाई के लिए, और अच्छी बात है यार, होनी भी चाहिए साफ़ सफाई। ऐसे देखो बस स्टैंड के फ्रंट में ऐसे ढेर अच्छे नहीं लगते यार, कोई बाहर की स्टेट वाला आएगा हमारे इधर क्या सफाई देखेगा वो, जम्मू कश्मीर की फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट के बस स्टैंड की ये हालत हो तो क्या देखेगा वो यहाँ पे आके। वैसे मैं आपको बता दूँ हमारी कठुआ डिस्ट्रिक्ट में एक ISBT इंटर स्टेट बस टर्मिनल भी बना हुआ है, मैंने सुना है भाई, बना हुआ भी देखा है बट मैंने कभी वहाँ पे कोई बस लगी हुई नहीं देखी है, पता नहीं क्या रीज़न है, मुझे नहीं पता कि अभी तक वो शुरू हुआ है या नहीं हुआ है। बस ये सुना है कि वो ISBT है बट वहाँ पे गाड़ियों की मूवमेंट मैंने कभी देखी नहीं, वहाँ सिर्फ ट्रक लगे होते हैं। बाकी बस स्टैंड हमारा यहीं है फिलहाल, जर्नल बस स्टैंड कठुआ, एंड यहाँ पे भाई यहाँ से इंटरस्टेट बसेस बहुत ही ज़्यादा रेयरली चलती है, मैंने कभी देखी नहीं यहाँ से कोई गाड़ी इंटरस्टेट बस यहाँ से जाती हुई। यहाँ से अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो तो ज़्यादा रूट्स पे यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं चलती हैं। भी इंटरस्टेट जाना हो तो आप जर्नल बस स्टैंड कठुआ मत आइएगा, आमने सीधा कालीबड़ी चौक या फिर लखनपुर जाके आप इंटरस्टेट बसेस में बोर्ड कर सकते हो। ISBT का नाम सुना होगा ना अगर आपने, ISBT तो गलती से मत जाना, ISBT कठुआ सिर्फ नाम का ही है। वहाँ पे भाई अभी तक फिलहाल तो कोई बस नहीं दिखी मुझे आज तक, लिटरली गाइस मैं आपको बता दूँ मैं बस स्टैंड पे गया, मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा, इतनी स्मेल, इतनी मतलब आप बोल नहीं सकते, इतनी ऐसे पंजड़ सी स्मेल आ रही है इतनी गंदी वाली। और अभी यहाँ पे खड़ा हूँ ना रोड के पास, यहाँ पे भी बहुत स्मेल है भाई, धूप में खड़ा होना पड़ रहा है, मतलब बहुत बुरा लगा। मैं बहुत ही रेयरली आता हूँ बस स्टैंड कठुआ, शायद आज 1-2 सालों बाद आया होगा यहाँ पे, लेकिन बहुत बुरा एक्सपीरियंस है भाई यहाँ पे, खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। अभी मेरा मन कर रहा है मैं वहाँ सामने जाऊँ और वहाँ से बस का वेट करूँ। एक लगी थी पिंक डॉल, मुझे ये गाड़ी पसंद आई थी,
लेकिन ये भैया बोल रहे हैं जानी है 1:30 बजे, और 1:30 बजे अगर मैं गया तो मैं लेट हो जाऊंगा भाई पेपर देने। बस स्टैंड के ठीक बगल में आपको सामने सुलभ शौचालय मिल जाएगा। सामने तो लिखा है सुपरफास्ट जम्मू और आई उस तरफ से है भाई, इसलिए मुझे थोड़ी कंफ्यूजन है कि ये जम्मू जाएगी भी या नहीं जाएगी। बाकी इसमें कुछ कोई भी नहीं है अभी, ना ड्राइवर ना कंडक्टर। जैसे कोई आता है फिर पूछते हैं कि ये कहाँ को जानी है, अगर जम्मू जाएगी तो पक्का इसमें जाना है भाई। दोस्तों अभी बीच में एक पैसेंजर बैठे हैं, मैंने उनसे पूछा, वो बोल रहे हैं जम्मू ही जाएगी। तो आज का हमारा सफ़र होने वाला है भाई हिमालय बस में। गाड़ी देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, अट्रैक्टिव है, और इसका कलर भी देखो कितना सुंदर है और फ्रेश लग रही है फिलहाल तो। सांबा नंबर गाड़ी है, सांबा ही हमने जाना है। ऊपर लिखा है हिमालय जम्मू कठुआ एरिया सुपरफास्ट जम्मू डेली सर्विस 7 AM। बट अभी टाइम हो रहा है 12:34। तो अभी मैं बस में बैठ चुका हूँ, ये गाड़ी जाएगी सिर्फ सांबा तक, जम्मू नहीं जानी है गाड़ी, ओनली सांबा तक जाएगी। दोस्तों बस स्टैंड के बाद जो गाड़ी का फर्स्ट बोर्डिंग पॉइंट आता है, बोर्डिंग स्टेशन आता है, वो आता है हटली मोड़। और हटली मोड़ से भी यहाँ से पैसेंजर्स वगैरह चढ़ते हैं गाड़ी में। तो गाड़ी में मिलते हैं उनको दो रीडिंग लाइट्स, फर्स्ट एड बॉक्स और टी वाइट का कॉम्बिनेशन है गाड़ी का। और जब हमसे आगे गाड़ी आई है वो वहाँ पे लगी है जो जम्मू की तरफ जा रही है। ये है कठुआ का कालीगुड़ी साइड। गाड़ी फिलहाल यहाँ तक ऑलमोस्ट खाली है, लेकिन यहाँ से भाई पैसेंजर्स बहुत सारे बोर्ड करते हैं तो गाड़ी यहाँ पे फुल हो जाएगी। तो दोस्तों अभी पिछली बस आ गई है तो इसको भी रवाना होना पड़ गया यहाँ से। तो 12:53 पे गाड़ी मूव ऑन हो रही है कठुआ के कालीगुड़ी चौक से। NHAI वालों ने न्यू ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया है, जो पुराना वाला ब्रिज था उसका टाइम पूरा हो चुका था, मेरे को लगता है 50 ईयर्स टाइम होता है। बाकी मुझे एक्यूरेट नहीं बताया, अगर आपको पता है कमेंट बॉक्स में बता देना। और नया ब्रिज यहाँ पे बनाया गया है NHAI वालों के द्वारा, लेकिन ये वाला तोड़ा नहीं है भाई। बाकी मैं देख रहा हूँ इस रूट पे जितने ब्रिज हैं तो पहले उनको डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं फिर नया बना रहे हैं। कठुआ से सांबा का जो फेयर है वो लगभग 60 रुपीज़ है, भैया ने 50 काटे मेरे। दोस्तों काफ़ी दिनों बाद ये रूट कवर कर रहा हूँ मैं जम्मू कठुआ वाला। तो ये वाला जो फ्लाईओवर है ये अभी न्यू बना है, देख सकते हो 6 लेन है और ये रास्ता जाता है रेलवे स्टेशन के सामने। तो यहाँ से हमें देखने को मिलती है एक और डाइवर्जन। तो यहाँ से दोस्तों इस पॉइंट से दिल्ली कटरा अमृतसर एक्सप्रेसवे इस नेशनल हाईवे 44 से जुड़ता है। फिलहाल हमारी भारतीय सेना की कॉन्वे जा रही है इंडियन आर्मी जिंदाबाद। तो जितना भी एरिया दिख रहा है यहाँ पे बनेगा दिल्ली कटरा अमृतसर एक्सप्रेसवे। हमारा तरनाव वाला ब्रिज कोलैप्स हुआ है ना, बहुत ज़्यादा ट्रैवलर्स जितने भी हैं मैक्सिमम ट्रेन में जाना पसंद करते हैं। तरनाव वाला ब्रिज टूटने के कारण पहले जितने भी हैवी लोडेड व्हीकल्स थे ट्रक्स वगैरह उनको इस रूट से बॉर्डर वाले रूट से अलो नहीं किया जा रहा था, उनको दार रूट ये वाला रोड है वहाँ से अलो किया था उनको जाने के लिए, लेकिन अभी शायद बॉर्डर रोड से अलो कर दिया जा रहा है उनको, इसीलिए यहाँ पे भी ट्रैफिक जाम है। आप पीछे देख सकते हो कितना ज़्यादा ट्रैफिक जाम है, हमारी जम्मू रोडवेज लगी हुई है पीछे। एंड आगे भी भाई वो देखो भवानी कब की हमें क्रॉस कर चुकी है, लेकिन भवानी अभी भी ट्रक के आगे है। एंड ये जितने भी आपको ट्रक्स दिखते हुए जा रहे हैं जाते हुए दिख रहे हैं ये सारे बॉर्डर रोड से होते हुए आए हैं। यहाँ से गाड़ियाँ नीचे की हो जाती हैं बॉर्डर वाले रोड को, और हमारी बस यहाँ को नहीं हुई, हमारी बस इसका मतलब तरना वाले नाले से होती हुई, तरना नदी से होती हुई जाएगी, पीछे आ रही है जम्मू रोडवेज। बसेस इधर को आ रही हैं और ट्रक्स जो जितने भी हैं वो सारे नीचे जा रहे हैं।
दोस्तों जो ब्रिज कोलैप्स हुआ है यहाँ पे, जो ब्रिज टूट गया है वो वहाँ पे है, वो देखिए सामने वो ब्रिज। तो अभी ये वैकल्पिक मार्ग इतना है और यहीं से गाड़ियाँ, कुछ गाड़ियाँ नाले से होके आ रही थी, मतलब नाले से ही आ रही थी। वैकल्पिक मार्ग अभी बना नहीं था पूरा, लेकिन बोल रहे हैं कल से शुरू हो गया है। अभी देखते हैं कि शुरू हुआ है या फिर गाड़ी हमारी नाले से होते हुए जाएगी। यह है दोस्तों वैकल्पिक मार्ग, फिलहाल देखिए बंद है और गाड़ी हमारी जाएगी नाले से होते हुए। और ये दूसरा ब्रिज बन रहा है और वो जो बना हुआ था वो टूट गया है। गाड़ी हमारी घूम के जाएगी नाले से होते हुए। ये हालत है नेशनल हाईवे 44 की, मतलब अगर आपने नेशनल हाईवे 44 पे चलना है पठानकोट से जम्मू की ओर जाना है तो आपको यहाँ से होके जाना पड़ेगा। ये कंडीशन है भाई रोड की। बता दूँ गाड़ियाँ फिर भी यहाँ से चल रही हैं, लेकिन पहले तो गाड़ियाँ बॉर्डर रोड से घूम के आ रही थी, वहाँ तो इतनी ट्रैफिक जाम लग जा रहा था। और क्योंकि आप एक डबल रोड पे 4 लेन की गाड़ियाँ चलाओगे तो ट्रैफिक जाम तो होगा ही होगा। देखो भाई वाह, नेशनल हाईवे 44। दोस्तों ये वही रास्ता है जहाँ से लाखों श्रद्धालु आते हैं वैष्णो देवी दर्शन करने, उनको भी बेचारों को इस रास्ते से होते हुए आना पड़ेगा। और ये दिल्ली कटरा अमृतसर एक्सप्रेसवे का काम चला हुआ है। और वो है सामने पुल जो टूटा हुआ है, बहुत शर्म की बात है। देखो जितने भी जम्मू कठुआ रूट वाली बसेज हैं या कोई भी बसेज हैं, इंटरस्टेट बसेज हैं या फिर रोडवेज वगैरह हैं, सारी इस नाले से होते हुए आ रही हैं। और काफ़ी ज़्यादा बसेज फंस भी रही हैं भाई वहाँ पे, फिर ट्रैक्टर या फिर जेसीबी के हेल्प से निकाली जा रही हैं। देखो भाई नेशनल हाईवे 44, मुझे ये समझ नहीं आ रही भाई, 2 से 2.5 महीने हो गए, ज़्यादा ही हो गए होंगे पुल टूटे हुए, लेकिन अभी तक इनसे वैकल्पिक मार्ग तक नहीं बन रहा। पुल पता नहीं कब बनेगा, वो तो उम्मीद ही छोड़ दी अब लोगों ने। गाड़ियों की कंडीशन देखो, देखो ये जो इंटरस्टेट बसेज आती हैं बाहर से पैसेंजर लाती हैं हमारे जम्मू कश्मीर में, वो पैसेंजर्स क्या देख रहे होंगे कि ये हालत है हमारे जम्मू की। दिस इज़ नेशनल हाईवे 44 गाइस। नाला है ना, वहाँ पे गाड़ियाँ फंस जाती हैं बहुत सारी। अभी तो फिलहाल ये शांत है भाई, ये नाला शांत है, लेकिन जब बारिश हो जाए ना ऊपर तो यहाँ इतना पानी तो आप सोच नहीं सकते। और कई गाड़ियाँ यहाँ पे फंसी हैं, देखो अभी भी एक गाड़ी यहाँ पे फंस गई है, छोटी गाड़ी, और ट्रैक्टर की हेल्प से निकाली जा रही है। देखो भाई ये कंडीशन है हमारे नेशनल हाईवे 44 की, और जब टोल लेने की बारी आती है तब पूरा टोल वसूला जाता है भाई। देखो भाई देखो, ये जितने भी ट्रैक्टर यहाँ पे लगे हुए हैं ये सारे इसीलिए लगे हुए हैं कि कोई गाड़ी फंस जाएगी तो यहीं उनको निकालेंगे। दोस्तों मेरी नज़र में कोई फ़ायदा नहीं इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाने का, अगर आपसे एक नेशनल हाईवे नहीं चल पा रहा है तो क्या फ़ायदा दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे बनाने का। डेवलपमेंट हो रही है तो अच्छी बात है, बनना चाहिए, लेकिन एक नेशनल हाईवे अगर नहीं चल पा रहा है फिर क्या फ़ायदा इतने बड़े प्रोजेक्ट्स का। ऐसा लग रहा है भाई जैसलमेर में आ गया हूँ, रेगिस्तान में। वो देखिए दोस्तों कहाँ से घूम के आई गाड़ियाँ और कहाँ से घूम के जा रही हैं अभी।
हमारे जम्मू कश्मीर का रेगिस्तान देखो। ये वाला ब्रिज है वो, ये टूटा नहीं है पूरी तरीके से, लेकिन एक तरफ झुक गया है और ये वैकल्पिक मार्ग बन रहा है नया। ये एम्बुलेंस आई, अगर इसमें कोई एमरजेंसी वाला पेशेंट हो तो कैसे पहुंचेगा वो टाइम पे। तो देखा दोस्तों हमने क्या हालत है हमारे जम्मू कश्मीर के हाईवेज की। अभी पिछले दिनों मैंने राजस्थानी स्लीपर में ट्रैवल किया तो उनके ड्राइवर कंडक्टर सारे स्टाफ ने यही शिकायत की कि भाई इतना लंबा रूट हम कवर करते हैं लेकिन जो जम्मू में रोड है ना वो तो क्या ही बोले, मतलब देख ही सकते हो आप कैसा रोड था, मतलब कितना ज़्यादा ओवर डिस्टेंस कवर करना पड़ा। और ये जम्मू रोडवेज एक SRTC, एक बात समझ नहीं आती, अगर पीछे आपने दो पुल ऐसे छोड़ दिए जिनका टाइम हो गया था, टाइम पीरियड आपने उनको छोड़ वैसे ही रखा और तीसरा बना दिया, यहाँ भी ऐसे कर देते तो आज ये नौबत नहीं आती। लेकिन यहाँ पे इन्होंने पहले तोड़ा फिर दूसरा बनाने लगे और जो एक बना था वो खुद ही टूट गया। अब एक बार इमेजिन करके देखो, अगर जो पुराना ब्रिज था उसको खुद नहीं तोड़ा होता, उसमें इतनी मजबूती तो थी यार कि अभी टाइम पास करवा देता वो, जब तक नया ब्रिज नहीं बनता तो कमाल की बात है यार। अभी देख सकते हो मेरे पूरी गाड़ी खाली है, आगे 4-5 पैसेंजर्स बैठे हैं बस। बहुत खतरनाक वाली डाइवर्जन है यार ये तो। ये है भाई कोटा मोड़, यहाँ से शुरू हो जाती है सांबा डिस्ट्रिक्ट और ये है सांबा पुलिस के बैरिकेड्स लगे हुए सामने। तो अभी हम पहुँच गए हैं गगवाल में, सांबा डिस्ट्रिक्ट एंटर करते ही आया है गगवाल स्टॉप। पहुंचने वाले हैं, तो ये है सांबा का न्यू फ्लाईओवर। ये लगी है जम्मू वाली, हमारी बस जाएगी ओनली सांबा तक और ये है बस का लास्ट स्टॉप। बस ने कठुआ बस स्टैंड से सफ़र शुरू किया था 12:40 पे एंड यहाँ सांबा पे पहुंची है भाई 2:07, तो देख लो कितनी लेट होगी गाड़ी उस पुल के टूटने के कारण। फिलहाल हम पहुंच गए सांबा, अभी मेरा पेपर है यहाँ ऊपर, फिर आते हैं वापस एक और नई बस की जर्नी के साथ। धन्यवाद दोस्तों, आज के प्रोग्राम में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो पानी बोतल बेचेंगे सब लोग जाएगा, सांबे में बसा बंद रहेंगे जम्मू वाली और जम्मू पर सारे।
जैसे हमारे लखनपुर दोस्तों जैसे हमारे लखनपुर टाउन में आपको बढ़िया दाल बल्ले बोलते हैं, जिनको कुछ लोग राम लड्डू बोलते हैं, वो खाने को मिलते हैं, वैसे ही हमारे कठुआ डिस्ट्रिक्ट से आगे जो डिस्ट्रिक्ट सांबा डिस्ट्रिक्ट पड़ती है वहाँ पे भी आपको बल्ले खाने को मिल जाएंगे। तो लखनपुर के बाद आपको सांबा में भी बल्ले खाने को जरूर मिल जाएंगे, लेकिन आपको ये फ्लाई ओवर से नहीं नीचे से होके आना पड़ेगा, है ना भैया? और कितने रुपये के? 20 रुपये के सेब। ठीक है भैया, धन्यवाद। सांबा में गरम मिलते हैं। हाँ, तो ये भाई साहब बना रहे हैं। भाई साहब बताओगे ये कौन सी दाल के बना रहे हैं? चने की दाल की है भैया। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपने ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम। भगवान करे आपका दिन शुभ हो। टाटा, बाय बाय।